ये वीडियो मैंने लास्ट जो वीक स्टार्ट की थी एक संडे स्पेशल के तरीके से, जिसमें हम लोग पूरे संडे को रिकैप किया करेंगे और शानदार तरीके से आप लोगों का रिविजन यहाँ पर होगा। मैंने शब्द रिविजन बोला है तो इसको रिविजन के तरीके से ही लेना है। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको ऑल्टरनेटिव कर लेगा, पूरे वीक देखकर क्या करना है, बस इसको देख ले काम चल जाएगा। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से लेकर चलेंगे तो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो आप लोगों के साथ में एग्जाम में बैठेंगे और आप लोग उनके साथ में कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो रिविजन को रिविजन की तरीके से ही लिया कीजिए, ना कि ये बोले कि बस अब क्या करना है पढ़ के, बस इसी को देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना ही नुकसान कर बैठोगे, ऐसा मत कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूरे सप्ताह में जो हम लोगों ने शानदार तरीके से डिस्कशन किया है वो एक अलग लेवल पर चीजें रहती हैं, क्योंकि वहां पर वीडियो जो रहती है वो सारी वीडियो 40 से 45 मिनट 50 मिनट तक की रहती है, और ये अकेली वीडियो 50 मिनट की रहती है। तो आप लोग कैसे इसको अल्टरनेटिव ले सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है यार, उनके साथ में आप लोग कंपीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है, एक मेमोरी फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसको सप्लीमेंट्री के तरीके से लीजिए, ना कि ऑल्टरनेटिव के तरीके से, ठीक है? यानी कि आप लोग पूरे सप्ताह में जो पढ़ लेते हैं इसको रिविजन के तरीके से लीजिए, तो शानदार तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे। तो एक छोटी सी बात बोलनी थी, बाकी ये जो डिस्कशन रहेगा इसका कोई पीडीएफ नहीं होता है, क्योंकि जो पूरे वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी का ये ओवरव्यू रहता है, तो फिर से पीडीएफ देना इसकी भी, तो एक तरीके से ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। आप लोग जो वीडियो ऑलरेडी पीडीएफ आप लोगों के पास में, उन्हीं को आप लोग एंजॉय कीजिए अच्छे से, वो मैं आप लोगों को सारी टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आइए धुआंधार बैटिंग करते हैं, एक एक न्यूज देखेंगे, काफी अच्छे से आप लोग चीजों को समझ कर चलिएगा। फटाफट क्विक रिकैप हम लोग करेंगे चीजों का, पर लेकिन आप लोगों के माइंड में चीजें रिकॉल होती रहेंगी और क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ताकि आप लोग एक तरीके से उनका आंसर भी दो तो रिविजन भी आप लोगों का होता रहे अच्छे से। आर्टिक सी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक मिनट पेन थोड़ा सा चेंज कर लो, ज्यादा मोटा हो गया, ये सही है। आर्टिक सी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोग पृथ्वी को देखेंगे तो जैसे पृथ्वी के अगर आप लोग नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो यहाँ पर आर्टिक ओशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, नीचे अंटार्कटिका वाला पार्ट आप लोगों को नजर आएगा। बोला यह गया कि रिसेंटली अभी जिस तरीके से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर भी आप लोगों को जो बर्फ है वो नहीं देखने को मिलेगी। साल में कुछ ऐसा हुआ करेगा कि यहाँ पर बर्फ जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। ऐसा कब होगा? यहाँ पर बोला गया 2050 में ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें मेल्टिंग के, तो इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, शब्द आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन देकर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर किसको बोला जाता है। तो यहां पर आर्टिक और अंटार्कटिका वाला जो रीजन है इनको वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफी कुछ ठंडा रखने का काम करते हैं, मैक्सिमम इनका पोर्शन जो है वो बर्फ से ढका रहता है। ये बेसिकली सी लेवल बढ़ेगा अगर ये पिघलते हैं तो, सैलिनिटी जो लेवल उसका चेंज होगा समुद्र के अंदर, जो करंट होती है समुद्र के अंदर आप लोगों को बताऊंगा अभी करंट के बारे में, उसे भी आप लोग काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि जो बारिश होती है वो पैटर्न भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कई सारी चीजों में चेंज, और बोला ये जाता है खासकर कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफी दिक्कत की बात हो गई है, क्योंकि 1900 से लेकर अगर अब तक आप लोग चेक करेंगे तो 7 से लेकर 8 इंच का लेवल वहां पर कोस्टल एरिया में बढ़ चुके हैं, तो कोस्टल एरिया के लोगों के लिए दिक्कत है। मैंने आप लोगों से ये भी बात की थी वोर्टेक्स के बारे में, नॉर्मली ये कूल बना रहता है क्योंकि ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन ये स्टेबल पोलेक्स स्टेबल पोलर वोर्टेक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन जब यहां पर वार्म हवाएं नॉर्थ की तरफ को मूव करती है तो ये पैटर्न चेंज हो जाता है यहां पर, और इसी पैटर्न के चेंज होने की वजह से यहां पर जो ठंडी है वो थोड़ी कम होने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहां पर जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगता है। परमाफ्रोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, जो मिट्टी के अंदर जो बर्फ जमी रहती है अगर वो भी पिघलने लगती है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि CH4 जो मीथेन है वो यहां से निकल कर आएगी, अगर CH4 यहां से निकल कर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में ये लगभग 80 गुना आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, यहां पर टेम्परेचर को गर्म करती है। तो इन सब मुद्दों को सुधारना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रेजिडेंट सर्टिफिकेशन के बारे में। तो अभी हमारी कंट्री में जो लद्दाख 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में एक नई यूनियन टेरिटरी बनी, जिसको हम लोगों ने लद्दाख बोला, और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, लद्दाख में एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है रेजिडेंट, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो यहां पर आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 ए को चेंज करने के बाद में ये सर्टिफिकेट दिया गया। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या लद्दाख अकेला ये सर्टिफिकेट देता है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर भी यहां पर ये ऐसा सर्टिफिकेशन देते हैं। इस सर्टिफिकेशन से फायदा क्या रहता है, जो खासकर लोकल लोग में लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको जॉब मिल जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा, राशन कार्ड वगैरह अगर बनवाना है गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा देखने को मिलेगा। तो तहसीलदार लेवल का जो ऑफिसर होता है वो यहां पर इसको बेसिकली देता है, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। आगे चलते हैं, यहां पर हम लोगों ने बात की थी अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया ट्रांसमिशन के बारे में, ताकि हमारी कंट्री में कोई ऑर्डर है तो उसको ऑनलाइन ट्रांसमिशन किया जा सके, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन किया जाए। सोचिए
एक पर्टिकुलर पर्सन है जेल में पड़ा है 5 साल से, उसको छोड़ दिया गया और पिछले ऑर्डर आया उसका कोर्ट का कि हाँ छोड़ देते हैं इसको, तो ऑर्डर आया था कोर्ट का यहाँ पर 5 दिन पहले, पर अभी वो जेल में पड़ा हुआ है, यानी कि अब तक यहाँ पर जेल का जो जेलर है उसके पास में कोर्ट का ऑर्डर नहीं पहुंचा है, वो कोर्ट का ऑर्डर पहुंचेगा जब इसको छोड़ेगा, तो ये 5 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पर जेल में रह गया। तो जब पार्ट 3rd में संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये है बेसिकली राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यहाँ पर बात करता है आर्टिकल 21 के अंदर में, जो कि फंडामेंटल राइट हमारा बना देता है, तो इंसान का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो बोला इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो सुपेस सिस्टम यहाँ पर लाया गया। अब सुपेस की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोगों को बतानी है, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इससे कई सारे फायदे देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर बात की गई थी डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। नॉर्मली ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्वेश्चन पूछ ले जाए तो याद रखना, यहाँ पर ये है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में मिलकर सेंट्रल जो यहाँ पर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये काम किया गया। इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, यहाँ पर एक तरीके से जो एक सिस्टम को यूज करके यहाँ पर एक ऐसा कुकिंग यहाँ पर सिस्टम क्रिएट किया गया जिससे बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को काफी कम करेगा, फास्ट तरीके से ये आप लोग की कुकिंग करता हुआ नजर आएगा, क्लीन होगी। और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, सारा सिस्टम इसी के अंदर यहां पर डाला गया है। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर हाउस होल्ड बचाएगा, तो सोचिए अगर यहां पर बहुत सारे घर इसको यूज करने लगेंगे तो कितना फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि 65,000 से लेकर 70,000 तक का खर्चा इसका आएगा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो और भी सस्ता होता हुआ नजर आएगा। जो नॉर्मल आज के डेट में हम लोग सोलर कुकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके कंपेयर में 20 से 25% इसकी बैटरी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। और भी कई सारे सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमारी कंट्री के प्रोग्राम है, जैसे यहां पर बात करें तो रूफटॉप सोलर स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम जिसको यहां पर कुसुम के नाम से जानते हैं, यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये याद रखिएगा, नेशनल सोलर मिशन जो कि यहां पर एक तरीके से नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी है, यानी क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है उसके बारे में यहां पर बात करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी बात की गई थी यहाँ पर टैंक के बारे में। ये टैंक जो है ये बेसिकली हमारी कंट्री में डेवलप किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ये कॉम्बैट विक्टर रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जिसमें डीआरडीओ के साथ डीआरडीओ के जिस लेबोरेटरी है उसके साथ मिलकर काम किया जाएगा। अभी हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट को आगे लाया गया। तो फायदा क्या है, फायदा ये कि हम लोग अच्छे से अपनी कंट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट अपने आप यूज कर पाएंगे, तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। अर्जुन जो मेन बैटल टैंक यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा 1972 में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, आज तक हम लोग इन चीजों को और अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो MK1 और MK2 यहां पर MK1A और MK2 ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके तहत यहां पर वेरिएंट आप लोगों को अभी नए-नए लाए जा रहे हैं अपग्रेडेड वर्जन के, जिसमें पहले ऐसा था कि दिन-दिन में टैंक आप लोग चला पाते थे, पर लेकिन अब नाइट में भी आप लोग टैंक अच्छे से चला पाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी यहां पर इनके अंदर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेंसस के बारे में मैंने बात की थी, जिसको आप लोग जनगणना बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर क्लेम किया गया कि कास्ट सेंसस जो है उसको यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पर अभी लेकर आया जा रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पिटीशन पहुंची तो गवर्नमेंट ने बोला अभी टाइम भी नहीं बचा हुआ और ये आसान तरीका नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अगर पूछ ले कोई हमारे देश में सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1931 यानी कि 1931 में ये प्रस्तुत किया गया था। लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब आया था, तो याद रखिएगा अभी लेटेस्ट 2011 में लाया गया, पर लेकिन ये पब्लिश नहीं किया गया इसका डेटा जनताओं के सामने, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है कि ये जो बेसिकली देखने को मिलेगा गांव वाले एरिया और शहर वाले एरिया का ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा यहां पर ये इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक कास्ट के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो कई तरीके से जो इनइक्वालिटी है उसको यहां पर मैप किया जाता है सोसाइटी के अंदर, ताकि आगे चलकर लाइफ को वो इंप्रूव किया जा सके लोगों की। डिफरेंस अगर पूछ ले कोई दोनों में डिफरेंस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और यहां पर सेंसस के अंदर में, तो याद रखना इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं जैसे बजट होता है और जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे जनता के सामने रहता है, तो इसलिए यहां पर ये बेसिकली ये इसको छुपाया नहीं जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि सोसाइटी की कंडीशन कैसी है सबको पता है, कोई बताने वाली बात ही नहीं है, तो उसके चलते यहां पर वो बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे के तरीके से है। बजट की तरीके से सेंसस यानी कि उसको एक कॉन्फिडेंशियल डेटा की तरीके से रखा जाता है। तो याद रखना सेंसस एक्ट 1948 का है जिससे हम लोग अपना सेंसस तैयार करते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की एक स्टेटमेंट भी मैंने आप लोग को बताई थी, यहां पर 1940 में
WM जो यहां पर ये इनके द्वारा बोला गया जो कमिश्नर थे 1941 में कि सेंसस को आप लोग स्पेशलाइज इंक्वायरी के लिए यूज नहीं कर सकते, ये एक रैंडम तरीके से इकट्ठा किया गया डेटा होता है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने यहां पर जानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहां पर बात की थी करक्यूमिनोइड के बारे में। ये बेसिकली आप लोगों को एक रिच वैरायटी देखने को मिलेगी टर्मरिक की, हल्दी की, जो कि रिसेंटली अभी उड़ीसा के अंदर यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसके द्वारा काम किया गया इसके ऊपर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल जो एरोमेटिक प्लांट है उसके द्वारा यहां पर काम किया गया। बोला जा रहा है कि जो करक्यूमिनोइड की जो क्वांटिटी है इसके अंदर 12% मोर होगी, यानी कि ज्यादा बेटर ये परफॉर्म करेगी। अब अगर बात करूं इसके बारे में, हल्दी के बारे में, तो याद रखना सबसे ज्यादा हल्दी तेलंगाना में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो यहां पर जहां 20 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है वो अच्छा एरिया है उगाने के लिए, और रेनफॉल यहां पर 1500 मिलीमीटर के करीब आप लोगों को चाहिए यहां पर इसको उगाने के लिए। बेनिफिट क्या है? कैंसर बेसिकली एक तरीके से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। एंटी ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और एंटी डायबिटिक, ये सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यहां पर हल्दी यूज करते हैं डेली रेगुलर अपनी डाइट के अंदर में। तो हल्दी को पार्ट बनाकर जरूर रखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा जवान दिखते रहें, हसीन दिखते रहे, खूबसूरत दिखते रहे और आप लोग एनर्जेटिक रहे, कोई बीमारी ज्यादा बॉडी के अंदर न रहे, तो हल्दी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात करें करक्यूमिनोइड के बारे में, यहां पर ये 50% मोर एग्जिस्टिंग वैरायटी से देखने को मिलेगा। तो इसके चलते बहुत सारी डिजीज आप लोगों को नहीं निकल कर आती है। ये बेसिकली जो ब्लू जो डिजीज होती है टर्मरिक के अंदर वो भी यहां पर नहीं लगती इसके अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वैरायटी मानी गई है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है यहां पर मसालों के अंदर या फिर डाई के अंदर या फिर ड्रग कॉस्मेटिक इन सब चीजों के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। क्यूमिन जो है यहां पर ये याद रखेगा इसकी वजह से इसका रंग जो रहता है वो येलो रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये डिस्कस किया था मैंने मांडा बफेलो के बारे में। तो उड़ीसा में एक नई प्रजाति ऐड की गई है। कोई पूछ ले कि किसके द्वारा यहां पर ये आइडेंटिफाई की जाती है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ग्रे, यहां पर ग्रे एस ग्रे कलर का आप लोग यहां पर ये भैंस देखने को मिलेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च जो करनाल के अंदर है इनके द्वारा मिलकर काम किया जाता है। आइडेंटिफाई करना, इवोल्यूशन करना, कैरेक्टराइजेशन करना इसका, कंजर्वेशन करना, इसी के साथ में कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और पोल्ट्री जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर भी यहां पर इनके द्वारा काम किया जाता है। तो बफेलो जो है वो एक यूनिक ब्रीड देखने को मिल रही है, तो इसके चलते यहां पर कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जब डिफरेंट होता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ऐसे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडिया और नेपाल के बारे में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम याद रखिएगा सूर्य किरण, इसका 15वां संस्करण हम लोग को अभी देखने को मिला। ये दोनों के बीच में ये कैसी एक्सरसाइज है अगर पूछे कोई, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों से पूछ ले 14वां संस्करण कहां पर होता है, याद रखना यहां पर ये था यहां पर सल झंडी नेपाल के अंदर 2019 में होता और 15वां अभी यहां पर हुआ, बाकी कोविड-19 के चलते दिक्कत देखने को मिली। नेपाल के बारे में बात करें, हमारी कंट्री के कौन-कौन से राज्य टच करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नेपाल को टच करते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है बिहार, और दूसरे नंबर पर करता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर करता है यहां पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर करता है वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर सिक्किम। तो ये नेपाल काफी ज्यादा न्यूज़ में रहा रिसेंटली अभी, तो इसलिए ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस एक्सपो के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में जो डिफेंस एक्सपो है वो बेसिकली पर्पज ये रहता है कि हम लोग शोकेस कर सके लैंड, नेवी और एयर में हमारी पावर क्या है, और हम लोग इसी के चलते एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस देते हैं। डिफेंस एक तरीके से प्रदर्शनी बोल सकते हैं यहाँ पर अपनी कंट्री के डिफेंस के प्रोडक्ट की। 12वां संस्करण जो इसका डिफेंस एक्सपो का भी देखने को मिलेगा यहाँ पर गांधीनगर गुजरात के अंदर में मार्च 2022 में। तो इसलिए अगर आगे का भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं वहां के लिए भी क्वेश्चन आप लोग तैयार हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें डिफेंस एक्सपो के बारे में, तो आत्मनिर्भर भारत जो बेसिकली अभियान के तहत हम लोग डिफेंस का एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखे हुए हैं, तो कुछ लिखने के लिए तो याद रखिएगा 2024 तक का हमारा टारगेट है कि हम लोग $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट अपना करें, तो इसके ऊपर यहां पर काम करने की बात की जा रही है। इसके पहले जो 11वां संस्करण कहां पर होता, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में होता 2020 में। इसके बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एफडीआई के बारे में, तो डिफेंस में एफडीआई जो है वो पहले 49 थी, अब 74 हो गई है। तो इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर करना होता है। इसी के साथ में डिफेंस इंपोर्ट बिल कम करना है, यानी कि बाहर से सामान खरीद कर लेकर आए। इसी के साथ में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि प्राइस लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से की जा सके। एफडीआई देश में दो तरीके से आती है, याद रख सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट होता है जो कि यहां पर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, पर लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल जो रूट होता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बनाया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, जिसके थ्रू यहां पर चीजें प्रेजेंट की जाती है। तो कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर भी नहीं होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीटली।
अभी हमारी कंट्री में एक सर्वे जो किया जाता है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कौन से नए नए प्लांट देखने को मिले, तो ये काम करता है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि प्लांट डिस्कवरी 2020 के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया कि 267 यानी कि 267 नए प्लांट हमको देखने को मिले। नए प्लांट में यहाँ पर बोला गया कि 19 जो स्पीसीज थी यहाँ पर, ये बेसिकली सीड प्लांट की थी, 57 स्पीसीज थी यहाँ पर जो फंगी, 44 लाइकेन और इसी के साथ 21 एल्गी की यहाँ पर, और 18 थी यहाँ पर माइक्रोबीज, और भी कई सारी स्पीसीज देखने को मिली। पर ये एक बार कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो यहां पर ये प्लांट इनके पेड़ पौधों की जो स्पीशीज मिली वो कहां पर मिली, तो ये मिली वेस्टर्न घाट के अंदर में 22% टोटल। अगर बात करें वेस्टर्न हिमालय के अंदर में 15%, ईस्टर्न हिमालय के अंदर में यहां पर 14% और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा वहां पर 12% आप लोगों को चीजें देखने को मिली। तो कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WMO बोलते हैं, इसके द्वारा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई। ये न्यूज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से रिवीजन होना चाहिए इसका। बोला जा रहा है कि क्लाइमेट जो इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी के साथ में यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन द इंटरकनेक्शन, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट ये प्रस्तुत की गई इस नाम से। तो पूछे कौन प्रस्तुत कर रहा है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे अपनी कंट्री में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी का ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखना। इसके द्वारा बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा रही है, समुद्र का एसिडिफिकेशन कर रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो इसके चलते इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी यहां पर बात की गई कि कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो इसी टाइम पर दोनों रिपोर्ट निकल कर आई, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कई सारे हैं जिनको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, खासकर उनके ऊपर फोकस हम लोग को करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन जोन में बात की जा रही है, हम लोग को आना चाहिए। अगर बात करें WMO के द्वारा रिकमेंड किया गया कि हम लोग को बेसिकली इंप्रूव करना चाहिए एजुकेशन लेवल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर में, ग्लोबल पार्टनरशिप जो 17 के अंदर में है, और सस्टेनेबल कंजप्शन जो 12 के अंदर में है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई ताकि चीजों को टैकल कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, बताइए पहला दूसरा और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके बारे में है, तो ये आप लोगों को बताना है। आगे अगर बात करें यहां पर, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो यहां पर कई सारी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 बोलता है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज पर कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में घुमाकर पूछ रहे तो आप लोग घूम ना जाओ, तो इसलिए याद रखना कि यहां पर इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बेसिकली बात करेगा वो क्या क्या बात करेगा आप लोगों से, ये किस किस गोल पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये भी बातें आप लोगों से करता हुआ ये नजर आएगा। तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्ट यहां पर CO2 से इंपैक्ट पड़ता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी टेंपरेचर, ओशन एसिडिफिकेशन और कई सारे दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, हीट यहां पर, ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल का बढ़ना, तो ये सारे मुद्दे इसी के तहत आते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये हो जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर 2 के बारे में बात करें तो ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, 1 के बारे में बात करें तो ये पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है, इसी के साथ में 14 के बारे में बात करें ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बात करेगा, लाइफ ब्लो वोटर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में 16 ये यहां पर बेसिकली रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को भी थ्रेट करता है, यानी कि एक तरीके से लोगों की जॉब भी जाती है, कई सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। हाई रिस्क ऑफ वाटर स्कार्सिटी और डायरेक्टली इफेक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जब पानी की कमी हो जाती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है स्टेट वाइड कैंपेन किया गया यहां पर राजस्थान के अंदर में, ताकि डिमांड किया जा सके सोशल अकाउंटेबिलिटी लो, यानी कि सोशल अकाउंटेबिलिटी यानी कि एक तरीके से जनता भी तरीके अकाउंटेबल ठहरा सके स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके लिए काम किया गया, उसके लिए यहां पर काफी ज्यादा चीज देखने को मिल रही है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है यहां पर राम लुभैया, तो यहां पर इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। आप लोग राजस्थान से आते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोला गया सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल जो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर काम चल रहा है यहां पर, और राजस्थान जो गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस 2011 का, और राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट, ये अभी ऑलरेडी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इनके ऊपर बेसिकली इनको रिपील्ड किया जा रहा है, जिसके चलते भी नए लोग आएंगे और अच्छे से काम किया जाएगा, टाइम बाउंड मैनर में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो राजस्थान का मुद्दा था जिसके बारे में हम लोगों ने समझा था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहां पर। अभी अगर आप लोगों से पूछे, यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया गया ग्लोबल मेथेन प्लेज, यानी कि मेथेन के ऊपर काम करेंगे। मैंने बताया ना मेथेन अभी CH4 कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में 80 गुना ज्यादा गर्म ये हमारे प्लैनेट को करती हुई नजर आती है। तो यूरोप जो यूएसए और यूरोप यहां पर मिलकर काम करने वाले, क्यों, क्योंकि 26 जो यहां पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पर होने वाली है, तो ये होने वाली है यूके ग्लासगो के अंदर में। इसके चेयरपर्सन कौन है मैंने पूछा था, बताइए आप लोग फिर से रिविजन कर लीजिए। ग्लासगो कहां पर है, यूके के अंदर है, तो यहां पर
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा एटलीस्ट 30% ग्लोबल मेथेन एमिशन है वो यहां पर, अगर बात करें तो यहां पर अभी एक तरीके से बोला जा रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा उसमें कटिंग की जाएगी 2020 से लेकर 2030 तक के लेवल पर। अगर यहां पर बात करें तो अगर बात करते हैं यहां पर रिड्यूस करेगा ग्लोबल टेम्परेचर 0.2% 2040 तक का, तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में अगर बात करें अबाउट 1.2 डिग्री हॉटर नाउ प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर यह जो बताने लायक है, अगर बात करें मेथेन के बारे में तो CH4 इसका फॉर्मूला होता है, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में CO2, नाइट्रोजन के बारे में N2, हाइड्रोजन के बारे में H2 और सल्फाइड जस्ट जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ऑक्सीजन O2, ये सारे बायोगैस के कंपोनेंट है। आप लोगों को पता है नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो मेथेन जो है CH4 वो 40% तो जो है नेचुरल बेसिकली तरीकों से निकल कर आती है, जैसे परमाफ्रोस्ट वगैरह हो गया वहां से निकल गई, ठीक है, और 60% हमारी गंदी हरकतों की वजह से निकल कर आती है, तो इसलिए 60% को तो कम से कम हम लोग कम ही कर सकते हैं। इंपैक्ट मोर ग्लोबल वार्मिंग पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 80 से 85% ज्यादा ताकतवर है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसलिए वर्ल्ड लेवल पर यहां पर ये ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव है यहां पर जिसमें मिलकर काम करते हैं और इंडिया भी इसका पार्टनर है यहां पर, तो इस तरीके के प्रोग्राम भी यहां पर चलाए जाते हैं जो कि इंपोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया के द्वारा कई सारे प्रोग्राम है, हरित धारा इंडिया जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इस प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट एक्शन, और इसी के साथ में भारत स्टेज पहले 4 था उसको 6 ला दिया, 5वां गैप कर दिया। ये हरित धारा जरूर याद रखिएगा, बेसिकली किसानों ने यहां पर कोशिश की कि यहां पर जो जानवर है उनको इस तरीके से खाना खिलाया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफी कम हो यहां पर, सॉरी मेथेन का एमिशन काफी कम हो और उनका दूध भी ज्यादा बढ़ेगा, ये बातें यहां पर की गई, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर नीति आयोग जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं बेसिकली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए बायजूस एजुकेशन के साथ में मिलकर, ताकि एजुकेशन को सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट स्कीम पूछी जा सकती है, कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, तो नीति आयोग और बायजूस मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर। तो 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो गरीब है जिनमें एजुकेशन को पहुंचाने की बात की गई उसके ऊपर यहां पर काम किया जाएगा। फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी 3000 के करीब जो ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे हैं पढ़ने में 11वीं और 12वीं के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। तो आकाश जो अभी बायजू के द्वारा खरीदा गया इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में, पर लेकिन ये इकोनॉमिक इमरजेंसी श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका में अभी यहाँ पर काफी बुरा क्राइसिस देखने को मिला जिसकी वजह से इनकी करेंसी जो है उसमें काफी ज्यादा डिप्रिशिएशन हो गया, यानी कि करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई। इसकी वजह से देश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिली, फॉरेक्स रिजर्व काफी कम हो गया, तो श्रीलंका जो है आप लोग बोल सकते हैं कि घुटनों पर आ गया, तो काफी सारी दिक्कत देखने को मिली। इसका बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि श्रीलंका टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट थी, इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो जो डेप्रिसिएशन यहां से निकल कर आया इसकी वजह से और कई सारी दिक्कतें देखने को मिली, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और बाकी यहां पर करेंसी तो डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये जो क्राइसिस यहां पर आया इसको अगर आप लोग कंपेयर करिए अपनी कंट्री में, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 360 यहां पर इसके बारे में बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टार्टिंग में 2 महीने के लिए आप लोग लगा सकते हैं, पर लेकिन आगे अगर आप लोगों को इसको कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, उसके बाद में चीजें जो है वो आगे कंटिन्यू चल पाएगी। तो ये बेसिक चीजें यहां पर बोली गई है। बाकी अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर सब में जो भी यहां पर बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं उनकी सैलरी भी यहां पर काफी हद तक डाउन कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली पावर लेने लगती है फाइनेंशियल मैटर में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर भी। तो बोला यहीगा कि रिजर्वेशन ऑफ द ऑल मनी बिल ऑफ और अदर जो फाइनेंशियल बिल है जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए लिए जाएंगे अगर कोई स्टेट में यहां पर वो बिल लाया जा रहा है। रिड्यूस किया जाएगा सैलरी अलाउंसेस ऑल द क्लासेस जो भी पर्सन है सर्व कर रहे हैं स्टेट में, और सेंटर में भी यहां पर यही बात बोली गई है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट है उनकी सैलरी पर भी आप लोगों को यहां पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि नॉर्मली तो ये चीजें नहीं देखने को मिलती है, पर लेकिन अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ये चीजें एप्लीकेबल यहां पर हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जिसको बोला गया था स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश का जो पोटेंशियल है उसको बेसिकली बाहर निकालने की बात की जाती है, भारत की क्षमता को मजबूत करना। किसके लिए बेसिकली, ये थे यहां पर जो पोर्टर होते हैं यानी कि जो कुम्हार होते हैं, तो यहां पर इनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की बात की गई। तो ये किसके अंदर था ये पूरा कार्यक्रम, तो ये था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं। तो KVIC एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जब पार्लियामेंट में एक्ट पास कर कोई बॉडी बनाई जाती है स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसके बारे में संविधान में मेंशन है कुछ लिखा हुआ है उसको संवैधानिक बॉडी बोलते हैं। कोई आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट के बाद में, संशोधन के बाद में कोई आर्टिकल ऐड किया गया तो उसको संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। जैसे पंचायती राज सिस्टम आजकल में संवैधानिक बॉडी है, जैसे 73rd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, पर लेकिन ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, पर लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं केवीआईसी ये एक एक्ट पास किया गया यहां पर 1956 में, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसके बेस पर ये हमारी कंट्री में एक बॉडी बनाएगी, तो इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। पर लेकिन अगर पार्लियामेंट में पास कर एक्ट भी ना बनाया जाए और इसी के साथ में संविधान में उसके बारे में मेंशन भी ना हो, तो ऐसी बॉडी को आप लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के द्वारा वो बॉडी बनाई गई है। उसमें ना तो पार्लियामेंट में कोई रिलेशन ना ही उसका बेसिकली संविधान से कोई रिलेशन, ठीक है, नॉर्मली डायरेक्ट अगर देखा जाए तो। अगर बात करें केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में काम करती है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं यहां पर ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, कि आज की डेट में ऐसा नहीं कि ये अकेला मिशन है, और भी कई सारे मिशन चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर बात करूं हनी मिशन प्रोग्राम यहां पर, तो है 1718 में ये केवीआईसी के द्वारा ही चलाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर बैम्बो जो ओसिस ऑन द लैंड इन ड्रोथ, यानी कि सूखे वाले एरिया में जहां पर यहां पर बांस लगाने की बात की गई, ये बेसिकली बोल्ड मिशन दिया गया इसका नाम। तो ये यहां पर उदयपुर राजस्थान के अंदर देखने को मिला, जो कि मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहां पर ये जो स्कीम चल रही है इसके तहत यहां पर एक पर्टिकुलर जो योजना है वो हेल्प करती है, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा स्पिन जो है इसको, तो आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में याद रखना है। ये कैसी योजना हमारे देश में लाई गई थी, जो कि नॉन कॉर्पोरेट यानी कि ना तो कोई कंपनी है, नॉन फार्म ना कि एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो दूसरे माइक्रो स्मॉल सेक्टर हैं उनके लिए लोन देने की बात की गई थी। यानी कि ना तो कंपनी को लोन दिया जाएगा ना एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया जाएगा, ये लोन दिया जाएगा जो छोटे छोटे कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है बेसिकली उसके लिए। इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तरुण, किशोर और शिशु। 50,000 तक का अगर कोई बेसिकली लोन लेना चाहता है वो किसी यहाँ पर शिशु की कैटेगरी में आया, यानी कि बच्चा है, किशोर यानी कि थोड़ा जवान हो गया, तो 50,000 से लेके 5,00,000 तक का लोन मिलेगा, और तरुण मतलब और ज्यादा जवान हो गया और 5,00,000 से लेके 10,00,000 तक का लोन मिलेगा। तो ये कोलेटरल फ्री लोन था, यानी कोलेटरल फ्री मतलब आप लोगों को कुछ गिरवी नहीं रखना है ये लोन लेने के लिए, ये इसलिए काफी इंपोर्टेंट था। तो काफी सारे लोगों को काफी सारा फायदा पहुंचा इसके द्वारा, इसको पीएम मुद्रा योजना भी जानते हैं, इसके चलते मुद्रा बैंक बनाया गया ताकि यहां पर लोन प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बन भी जाए तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बात की जा रही है ये अर्थ सोट प्राइस के बारे में। अर्थ सोट प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया 2020 में, और 2020 में लॉन्च करने के बाद में हमारी कंट्री की दो पर्सनैलिटी को मिल गया, एक का नाम है विनेश और दूसरे का नाम है विद्युत। तो विनेश और विद्युत यानी कि वी स्क्वायर को यहां पर ये अवार्ड मिल गया जिसका नाम है अर्थ सूट प्राइस। अब कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि यार ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो 2020 में ये जो ब्रिटेन के प्रिंस है जिनका नाम है प्रिंस विलियम, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। और इनका बेसिक टारगेट ये था कि जो पृथ्वी को अगर सेव करने के लिए, पृथ्वी पर जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर कोई भी कोई इनोवेटिव आइडिया देता है, कोई ऐसे विचार देता है जिसके चलते सॉल्यूशन निकल सकता है किसी बड़ी दिक्कत का, तो उनको ये प्राइज दिया जाएगा। तो 14-year-old तमिलनाडु की एक स्कूल गर्ल है जिसको सोलर पावर आयरन कार्ट बनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। और दिल्ली बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर है जिनके द्वारा एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकल करने का कॉन्सेप्ट दिया गया, उनको यहाँ पर फाइनल जो फाइनलिस्ट लिस्ट है उसमें देखने को मिला। इनके नाम इनके 15 है टोटल, 15 में से 2 अपने कंट्री के देखने को मिलेंगे, तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है। इसी इंस्पायर किससे हुआ है याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी, जिनके द्वारा यहां पर मूनशॉट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो कि आगे चलकर अपोलो मिशन जो कि आप लोग हैं अपोलो 11 जो कि यहां पर चंद्रमा पर जिसके द्वारा कदम रखे गए, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर 1969 में यहां पर ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी चीजें ताकि आगे चीजें बढ़ सके, तो उसी से निकालकर लाया गया यहां पर ये अर्थ सूट प्राइस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और एक दो बातें यहाँ पर, थीम क्या है, बेसिकली 5 एरिया में इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि 5 अर्थ सोट है, यानी कि एक तरीके से रीस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना नेचर को, क्लीन एयर, इसी के साथ में रिवाइव करना ओशियन समुद्र को, बिल्ड करना जो इस तरीके से जो वेस्ट फ्री वर्ल्ड, और फिक्स ओवर क्लाइमेट जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फोकस दिया गया कि प्लानेट को 2030 तक यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को टैगल करके चलना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें इसके बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी और न्यूज है, ज्यादा तो नहीं, बस हाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप लोगों से बात की थी, जिसको बोला गया था AFS। मतलब क्या है, जैसे आप लोग आज के डेट में रुपी यूज करते हैं तो वो एक प्रॉपर करेंसी है जो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली वो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल जो करेंसी है उसका बड़ा मुद्दा यह है कि यहां पर एक तरीके से ऑल्टरनेटिव बोला जा रहा है, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो वीडियो है ये ऑल्टरनेटिव है, जो पूरे सप्ताह वीडियो आती है, ठीक है, उनका, तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिव हो गया, यानी कि या तो उसको देख लो, इसको देख लो, ठीक है। पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि वो देखना है तभी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, तो हो गया सप्लीमेंट्री। तो दोनों टर्म में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली बिटकॉइन हो गया, कई सारी और करेंसी होगी, उनको ऑल्टरनेटिव की तरीके से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज़ में था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहां पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ये थी टॉक्सिक 3OS के बारे में। तो ये इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आज की डेट में कई सारी ऐसी सनस्क्रीन आती हैं जिनको यूज किया जाता है इंसानों के द्वारा और वो उनके ऊपर काफी खतरनाक केमिकल रहते हैं। अगर उनको क्रीम को लगाकर कोई जाता है यहां पर ओशन के अंदर, इनके समुद्र के अंदर नहाने के लिए, इसे बीच पर लोग नहाते हैं ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से वो चीजें अगर ओशन के अंदर पहुंचती हैं तो इसकी वजह से जो कोरल रीफ होते हैं उनकी कहानी खराब होने लगती है। तो इनके जो कोरल रीफ है, कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी, ये अपनी जान गवा बैठते हैं यहां पर इन तरीके के कॉम्पोनेंट अगर यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहां पर, अभी यहां पर यूएसए का फूड एंड जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको FDA बोलते हैं, काफी एक आप लोग बोल सकते ताकतवर ये एक बॉडी है यहां पर जो इन सब मुद्दों के बारे में बात करती है, इसके द्वारा 3OS के बारे में बात की गई ठीक है। तो 3OS क्या है बेसिकली, यहां पर इनको बोला गया यहां पर ऑक्सीबेंजोन ठीक है। तो यहां पर एक तो ये है, दूसरा बोला गया यहां पर ऑक्टिनोसेट ठीक है, तीसरा बोला गया यहां पर बेसिकली है ऑक्टिनोकिकल ऑक्टिनोक्लीन ठीक है, तो क्लीन तो बेसिकली बोलेंगे इसके। तो यहां पर तीन है इसलिए इसको O3 बोला गया, या फिर 3O बोल सकते हैं आप लोग, O3 तो ओजोन हो जाएगी। तो ये ऐसे कंपोनेंट है जिनको बोला गया इनको यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इनको यूज करने से मना करने की बात की गई यहां पर, ताकि कोरल रीफ को यहां पर इंपैक्ट न पड़े। कोरल रीफ जो है उसकी अगर ब्लीचिंग होती है तो कई सारे और भी रीजन है, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना ठीक है, पोल्यूशन का होना पानी के अंदर में, सनलाइट का ज्यादा बढ़ जाना, और या फिर यहां पर एक तरीके से टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जिनको बोलते हैं, वो सारी चीजें बढ़ जाना, तो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको बोलते हैं IUCN ठीक है। तो IUCN के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली क्या काम करती है, आप लोगों को पता है कि यहां पर जो भी रेड लिस्ट वगैरह होती है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो सेशन था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, पहले जून में होना था फिर सितंबर में पोस्टपोन कर दिया गया, तो ये फ्रांस के अंदर आप लोगों को देखने को मिला ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा याद रखिएगा, इसको यूनाइटेड स्टेट में 1948 में बनाया गया था। ग्लोबल लेवल पर इंडिजिनस एजेंडा के बारे में बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई सारे एरिया में काम करती है अलग अलग लेवल पर। अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, 1948 में क्रिएट किया गया, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, IUCN की थ्रेटन लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव आप लोगों को इन्वेंटरी देखने को मिलती है अलग अलग प्लांट और एनिमल के बारे में, किस किस को किस कैटेगरी में रखा गया है। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करते हैं पर्टिकुलर सेफ गार्ड के लिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करें तो उसके उपलक्ष्य में कई सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग, इनके द्वारा बोला गया 75 गांव हैं ऐसे जो यहां पर काउंट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर मिशन के तहत। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा जिसको स्टार्ट किया जा रहा है अक्टूबर के महीने से ठीक है। तो यहां पर IGNCA जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा बोला गया एम है कि मैपिंग की जाएगी लगभग 5000 गांव की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव एक डेटाबेस तैयार किया जा सके हमारी कंट्री में कल्चर के बेस पर। और नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल जो सर्विस स्कीम है, स्टूडेंट सोशियोलॉजी और इसी के साथ में सोशल वर्क, ये मिलकर काम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। 2017 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। डार्क एनर्जी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा कई सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं। डार्क जो शब्द यूज किया जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अननोन, यानी कि जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो डार्क शब्द यहां पर अननोन के लिए यूज किया जाता है। अभी यहां पर देखने को मिला डार्क एनर्जी के बारे में बात की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है यहां पर EXNON ठीक है, जिनोन 1T इसका नाम रखा गया, और ये एक्सपेरिमेंट इटली में यहां पर किया जा रहा है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में कि लोग जो है जिज्ञासु हैं, खासकर जो भौतिक विज्ञानी या फिर खगोल शास्त्री हैं, वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इसके चलते बोलते हैं कि 68% जो उसके अंदर जो आप लोगों को एनर्जी देखने को मिलेगी तो उसको डार्क एनर्जी बेसिकली बोला जाता है। जो यहां पर जिनोन ये 1T ये है बेसिकली, इसके अंदर बात करें तो यहां पर इसको इटली के अंदर एक लैबोरेटरी है जिसके अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और लिक्विड जिनोन यहां पर यूज की जा रही है, इसी के चलते यहां पर इसका नाम इसके नाम पर बेसिकली रखा गया है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर और बात करें यहां पर तो LUX बेसिकली ZEPLINN ठीक है, तो लक्स जेपलिन आप लोग बोल सकते हैं इसको, ये है यहाँ पर USA का प्रोजेक्ट इसी एरिया में काम करने के लिए, यानी कि डार्क एनर्जी के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पर पांडा XXT ये प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि यहाँ पर चाइना की जिनपिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर ये काम लेबोरेटरी के द्वारा ये अंडरग्राउंड एक तरीके से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इटली ही काम कर रहा है, चाइना और USA भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में अगर डिफरेंस आप लोगों को बोले, बेसिकली डार्क मैटर क्या है, वो एक अट्रैक्ट करता है, चीजों को बांध कर रखता है ठीक है, पर लेकिन डार्क एनर्जी जो है वो रिपेल करती है, यानी कि एक्सपेंड करती है, यानी कि यूनिवर्स में चीजें बंधी हुई भी हैं और एक्सपेंड भी हो रही हैं। तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो डार्क मैटर बांधे रखे हुए उसको और डार्क एनर्जी उसको एक्सपेंड करने का काम कर रही है। तो ये बातें हैं यहां पर। जबकि बात करें डार्क मैटर के बारे में, काफी लंबे समय से बात करते हैं 1920 से, पर लेकिन जो डार्क एनर्जी है वो अभी 1998 में भी सामने निकल कर आया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, डार्क का मतलब होता है अननोन ठीक है। तो हब्बल टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, जो कि यहां पर बात करती है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता हुआ जा रहा है।
एक छोटी सी रिपोर्ट से निकल गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की साइड से, उनके द्वारा बोला गया कि पहले 96 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर नक्सल एफेक्टेड एरिया हुआ करता था, पर लेकिन अभी घटकर ये काफी कम हो गए, 41 के करीब डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो एक अचीवमेंट यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं, 2009 में ये लगभग यहाँ पर 2258 के करीब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुए थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर 349 के करीब यहाँ पर ये रिड्यूस हो गए, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर इन एरिया में कंट्रोल पा लिया गया है। कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसी के साथ में यहाँ पर यह समाधान 2017 में लाया गया, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 में लाया गया, ये ग्रे जो ग्रे हंट बोला गया, ऑपरेशन ग्रीन ये हंट बोला गया, तो कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है। तो ये इन्हीं एरिया को टैकल करने की बात की गई। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी यहाँ से बोला गया था कि इसके अंदर से एक पर्टिकुलर रोड निकालनी थी 4.7 किलोमीटर की, पर लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कमिटी बताई है कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर बात करें, एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या काम करता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर ऐसा है यहाँ पर उसको क्लियर करने का काम करता है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा जी टाइगर रिजर्व हरिद्वार उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 उसके हिसाब से अगर काम करें तो कई सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। कुछ और बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई थी राजाजी नेशनल पार्क के बारे में, तो याद रखिएगा। बेसिकली यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि राजाजी मोतीचूर और चिल्ला, तो यहां पर तीन ये सेंचुरी है जिनको मिलाकर ये पर्टिकुलर बनाया गया एरिया, और यहां पर राजगोपालचारी जिनको राजाजी बोला जाता था फ्रीडम फाइटर थे, आप लोग ये बताइए इनसे रिलेटेड यहाँ पर अगर कोई एक इंसिडेंट आप लोगों को याद हो जिसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने इनसे पढ़ाओ, तो उसका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। गंगा और सोंग रिवर आप लोग यहाँ से होती हुई निकलेगी, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, गंगोत्री नेशनल पार्क और यहाँ पर नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर यूके यानी कि उत्तराखंड से आप लोग आते हैं तो ये सारी बात याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था, अगर मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तो आंसर बताइए इसका। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसका नाम है सौभाग्य। सौभाग्य के 4 साल हो गए सौभाग्य से पूरे, तो इसके द्वारा बोला गया कि 2.82 करोड़ लोग जो हैं उनको यहां पर इसके अंदर अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट बातें ये नहीं है, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग बता दूं। सबसे पहले तो किस बेस पर यहां पर लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो याद रखना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर यहां पर लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो कि 2011 में यहां पर स्टार्ट किया गया, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो संविधान के अंदर जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली यहां पर किस में रखा गया, तीनों लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में बेसिक है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें कुछ और यहाँ पर बातें करते हैं, बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में। इसके द्वारा यहाँ पर एल्डर लाइन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, टोल फ्री नंबर है जिसका नाम, ये नंबर याद रखेगा 1456 1456 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन खुला रहेगा, यहाँ पर 9:30 से लेकर 5:30 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा सुबह से शाम तक, जिसमें यहाँ पर जो भी बुजुर्ग सेक्शन है सोसाइटी का उसकी हेल्प की जाएगी। हमारी कंट्री में 1 अक्टूबर को यहाँ पर बेसिकली ये एक जो बेसिकली जो डे सेलिब्रेट किया गया, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन बोलते हैं, तो उसके उपलक्ष में यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम और याद रखेगा, इसको बोलते हैं SAG, यानी कि सीनियर जो केयर है, एक तरीके से उसके बारे में बात की जा रही है, एजिंग ग्रोथ और इंजन, ठीक है। तो यानी कि जो भी स्टार्टअप आगे आना चाहता है काम करने के लिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो एल्डरली पर्सन के लिए ये बेसिकली प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बुजुर्ग हमारे देश में कोई बोले बुजुर्ग की कैटेगरी में, तो 60+ आप लोगों को बुजुर्ग जो बोला जाएगा, और बच्चे की अगर बारे में कोई बात करें तो 18 के नीचे जो पर्सन आते हैं उसको आप लोग बच्चा बोलते हैं। अभी हमारी कंट्री में लगभग 12 करोड़ के करीब बुजुर्ग हैं, बोला जा रहा है कि 2050 तक का ये जो 12 करोड़ है ये लगभग बढ़कर आप लोगों को देखने को मिलेगा 31 करोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों के बारे में बात करनी पड़ेगी कल को, अगर बुजुर्ग जो आगे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं तो उनकी हेल्थ के बारे में और बहुत सारे मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, तो उनके बारे में बातें करनी चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साइड से फर्स्ट एवर ये ग्लोबल स्ट्रेटजी के द्वारा निकाल कर लेकर आई, जिसको बोला गया यहाँ पर बोला गया मेनिनजाइटिस बीमारी के बारे में। तो मेनिनजाइटिस बीमारी के लिए ग्लोबल रोडमैप टू डिफीट मेनिनजाइटिस 2030, तो तीन एरिया रखे गए इनके द्वारा कि कैसे यहाँ पर बेसिकली बैक्टीरियल जो मेनिनजाइटिस है उसको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है 50%, और जो डेथ होती है वो 70% तक कम करनी है। इसकी वजह से जो एक तरीके से डिसेबिलिटी होती है उनको भी रोकना है। मेनिनजाइटिस बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोगों का जो बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है उसके आसपास जो मेम्ब्रेन्स होता है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो सिम्टम्स कई सारे यहाँ पर फीवर होने लगता है, दर्द होने लगता है कई जगह बॉडी के अंदर में, एबनॉर्मल रिएक्शन आने लगती है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होने लगती है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी थी।
क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, मेनिनजाइटिस बेल्ट है बेसिकली, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है और कितनी कंट्री उसके अंदर आती है मेनिनजाइटिस बेल्ट के अंदर, ये क्वेश्चन बताइए। देखिए जो पढ़ा रखे हैं क्वेश्चन पूछूं तो उसके आंसर भी आप लोगों को देते रहना है, ठीक है, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा अच्छे लेवल पर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी तीन जोन क्रिएट किए गए, रेड, येलो और ग्रीन, जिसमें यहां पर ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल को आप लोग उड़ा पाएंगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ड्रोन बोलते हैं। एक ऐसा भी है जहां पर नो फ्लाई कैटेगरी में रखा गया, जहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। हमारी कंट्री में लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल लाए गए 2021 में, और फिर आगे चल के ड्रोन रूल बोला गया 2021, ताकि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, हमारी कंट्री में ड्रोन बनाया जा सके। इसके चलते PLI यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लाएगी, ताकि प्रोडक्शन और अच्छे लेवल पर किया जा सके और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पांच ड्रोन जो डिवाइड किए गए, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, उनको कितने कितने किलोग्राम के हिसाब से उनको रखा गया है, ये क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा आकाश प्राइम अभी यहाँ पर ये मिसाइल का लॉन्च किया गया, ये बेसिकली मैन पोर्टेबल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कंधे पर लेकर भी यहाँ पर इन चीजों को चल सकता है, ठीक है। जो एक न्यू जनरेशन मिसाइल है, ये कैसी मिसाइल है यहाँ पर, ये आप लोगों को बेसिकली ऐसी मिसाइल देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से कहां से यहाँ पर एक तरीके से सैम बेसिकली इसकी कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसको बेसिकली उसके हिसाब से टारगेट को हिट करता है। इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये होती हैं, इनको और ज्यादा इंप्रूव वर्जन, ज्यादा एक्यूरेसी के थ्रू यहां पर अभी ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट का नाम मैंने जो बताया था वो जरूर याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम हमारी कंट्री में, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा 1983 में स्टार्ट किया गया था, और एक रडार थी जिसका नाम था राजेंद्र, तो राजेंद्र रडार के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो पांच मिसाइल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिटेल में डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बने तो। आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने बात की थी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, वॉलंटियर जो बेसिकली प्रोग्राम चलाया गया इसको आपदा मित्र बोला गया, यानी कि 350 डिस्ट्रिक्ट देश के ऐसे होंगे जहां पर आपदा मित्र सामने निकाल कर लाए जाएंगे, और उसके बेस पर यहां पर लोगों को गाइड किया जाएगा कि कल को कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ आती है, कोई सुनामी आती है, तो चीजों को टैकल किया जा सके। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहां पर काम करती नजर आएगी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो यहां पर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और 2006 में ये बेसिकली बनाई गई थी, 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसके हिसाब से, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहां पर, यानी कि एक तरीके पूरा पैसा सेंटर से आएगा, स्टेट को पैसा देने की जरूरत यहां पर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है, याद रखिएगा इसके बारे में। अभी नॉर्थ ईस्ट में एक पर्टिकुलर जिसका नाम रखा गया यहाँ पर जुड़ीमा, तो जुड़ीमा एक पर्टिकुलर यहाँ पर वाइन है, इसको यहाँ पर अभी GI टैग दिया गया, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसके चलते फर्स्ट ट्रेडिशनल जो बेवरेज यहाँ पर निकल कर आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, उसको GI टैग दिया गया पहली बार। तो यहाँ पर एक सप्ताह में इसको लगभग बनाने में लगता है, और फिर इसको एक सप्ताह बनाने के बाद में एक साल तक आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होगी। तो आसाम में पर्टिकुलर ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया, तो जिसको आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो काम किया गया आसाम के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, तो उसका भी नाम आप लोग बेसिकली यहां पर याद रखते हैं, जिसका नाम है यहां पर दिमसा, ठीक है। तो दिमसा ट्राइब के द्वारा यहां पर ये एक तरीके से जिनको GI टैग दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी और भी यहां पर है काजू नींबू, तो यहां पर ये 2020 में इसको आसाम के अंदर टैग दिया गया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है चोकवा राइस, ठीक है, तो ये आसाम में 2019 में इसको GI टैग दिया गया। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है हैती चिली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में तमेंगलोंग ये ऑरेंज, इनको GI टैग दिया गया मणिपुर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली अभी। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, यहाँ पर 27 सितंबर को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ल्ड टूरिज्म डे, थीम थी यहाँ पर टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंपॉर्टेंट था इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, थीम थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। 26 सितंबर का यहाँ पर ये डे था जो कि बचा था आप लोगों का यहाँ पर, ये है वर्ल्ड रिवर डे के बारे में। तो रिवर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी हमारी लाइफ का। वर्ल्ड यहाँ पर कॉन्ट्रसेप्शन डे के बारे में बात की थी, तो 26 सितंबर को ये डे था, देखिए सेफ सेक्स और जो कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में बात करता है, ताकि अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी न देखने को मिले, ताकि यहाँ पर हष्ट पुष्ट रहे इंसान सारे, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में बात की थी, तो रेबीज फैक्ट नॉट फियर, यानी कि डरना नहीं है, ये फैक्ट है, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देना है। 28 सितंबर को ये डे देखने को मिला। वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात की हम लोगों ने, तो 29 सितंबर को देखने को मिला। ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ, इसकी थीम आप लोगों के सामने निकल कर आई। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस इंफॉर्मेशन, जिसको IDUAI बोला गया, तो 28 सितंबर को देखने को मिला यहाँ पर, इसकी थीम थी द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में, आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल से बेसिकली निकल कर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बताइए जरा। ये जो डे था यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो कि 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम थी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है।
इंपोर्टेंट डे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और डिजिटली इक्विप्ड फॉर ऑल एजेस, तो यहाँ पर ये इसकी थीम मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ओल्डर पर्सन के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आए तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी बात की यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में, तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखेगा। इसी दिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों जो हमारी कंट्री के महान एक तरीके से आप लोग नायक बोल सकते हैं, उनको सैल्यूट दिल से। तो अब हमेशा ये ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए काफी कुछ किया गया, तो हमेशा इनको याद करते रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। जो भी आप लोगों ने कुछ लगा अच्छा है, जो बुरा है, आप लोग लाइक और डिसलाइक कर बता सकते हैं, और 10 में से क्या आप लोग इसको रेट करेंगे वो भी बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जो भी दिक्कत होती है वो सारी दूर हो जाएंगी अगर कंटिन्यूअसली आप लोग अपने काम पर फोकस करते रहेंगे। देखिए वही कहते हैं कि यार गम हो चाहे खुशी हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को ऐसे रखिए, वो नहीं कहते हैं कि स्प्रिंग होता है तो जब प्रेशर आता है तो स्प्रिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा दब जाता है, ठीक है। स्प्रिंग जो होता है वो दब जाता है प्रेशर आने पर, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटता है वो कितना एकदम खुलकर सामने आता है, तो इसे देखने को मिलेगा। जब भी आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम दूर होंगी तो इसी तरीके से छलांग मारेगी आप लोगों की जिंदगी आगे, तो वो वाली जिंदगी देखिए आप लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो जिंदगी को हमेशा एंजॉय करो। टेलीग्राम वीडियो के नीचे अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो, कोई भी दिक्कत होती है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहां पर दे रखा है स्टडी लवर वीर के नाम से, तो आप लोग इसका पार्ट बन जाइए, सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।